यूपी के बुलंदशहर में कलयुगी माँ बेटी ने अपने अवैध संबंधों में बाधक बनने पर घर के मुखिया का ही कत्ल करवा दिया। आरोपी पत्नी ने अपनी नाबालिग बेटी और आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। आरोपियों ने पहले बलवीर को डंडे से पीटा था, फिर गोली मारकर बलवीर सिंह की बेरहमी से हत्या की थी। हालांकि बुलंदशहर पुलिस ने 13 दिन में ही हत्याकांड का खुलासा कर मृतक की पत्नी व पुत्री को उनके प्रेमियों सहित गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल को भी बरामद करने का दावा किया है। घटना बुलंदशहर के थाना पहासू के ग्राम जटोला में हुई थी, जहां 40 साल के किसान बलवीर सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी और बेटी ने अपने आशिकों के साथ मिलकर करवा दी थी। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी दोनों के हेमंत और गोलू नाम के युवकों से अवैध संबंध थे। जब इसकी भनक बलवीर सिंह को लगी कि उसकी पत्नी और बेटी के अवैध संबंध हैं, तो बलवीर ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, बेटी और पत्नी के प्यार में रोड़ा बन रहे बलवीर को दोनों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर कत्ल की साजिश रच डाली। देखिए, 11 जुलाई को ग्राम जटौला थाना पहासू के एक जानकारी मिली वहां से कि वहां का बलवीर उर्फ बबलू, जो 9 तारीख को घर से शराब पीने के लिए ठेके तक गया था, वापस लौट के नहीं आया है। दिन में लगभग 3:25 पे इसकी गुमशुदगी जाने के 2 दिन बाद इसके परिवारी जनों द्वारा थाने पर पहासू में दर्ज कराई गई और आधे घंटे बाद ही इस व्यक्ति का शव नहर के पास झाड़ियों में मिला। वहीं कुछ दूर पर इसकी मोटरसाइकिल मिली और इसके बाद बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया हत्या का। पुलिस ने इस प्रकरण में काफ़ी गहराई से छानबीन की और छानबीन तथा इसके परिवारी जन, मृतक की पत्नी और बेटी नाबालिग है, इन दोनों के द्वारा जो फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा था, उस फोन के CDR के एनालिसिस से संदेह कुछ प्राप्त हुआ और अभियोग का अनावरण किया गया। जो कहानी निकल के आई वो ये थी कि बेटी का इलिसिट रिलेशन एक हेमंत नाम के लड़के के साथ था और मृतक की पत्नी का भी इलिसिट रिलेशन एक दूसरे व्यक्ति के साथ था जिसका नाम गोलू है। मृतक पत्नी और बेटी दोनों के इन नाजायज संबंधों को लेकर के उनके साथ मारपीट किया करता था, दुर्व्यवहार करता था। इस बात को लेकर माँ बेटी दोनों खिन्न थी और बहुत ही सुनियोजित तरीके से जब मृतक अपने घर से शराब पीने के लिए निकला, उसी समय बेटी ने फोन से अपने प्रेमी को बताया। प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। इसके बाद नाबालिग बेटी का प्रेमी हेमंत अपने साथी आकाश को साथ लिया और मृतक की पत्नी का जो प्रेमी गोलू था वो भी साथ में जुड़ गया। ये लोग उस रास्ते पर पुलिया के पास इंतजार करने लगे जिधर से होकर के मृतक को आना था। जब बलबीर उधर से लौटा तो इन लोगों ने उसे रोका वहीं पुलिया के पास और बताया कि कहीं दूसरे जगह के लड़के और लड़की इधर खेतों में छुपे हुए हैं, चलिए उनको तलाशना है। मृतक शराब के नशे में था, उनकी बातों पर विश्वास करके वो झाड़ियों की ओर चला गया। वहीं पर फावड़े के बेंत से और गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छुपा दिया गया। मोटरसाइकिल को भी ले जा करके उन्हीं झाड़ियों के बीच में डाल दिया गया। तो इस तरह अभियोग का अनावरण हो चुका है और इसमें सारे अभियुक्त, मृतक की पत्नी, उसकी बेटी, बेटी का प्रेमी और उस महिला का, उसकी पत्नी का प्रेमी, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आला कत्ल डंडा बरामद हो गया है जिससे इन लोगों ने सिर में चोट पहुंचाई थी, और तमंचा बरामद कर लिया गया है जिससे गोली चलाई गई थी। खुलासे में SSP ने बताया कि बलवीर सिंह अपने घर से 9 जुलाई को शराब खरीदने गया था और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद 11 जुलाई को परिवार द्वारा पहासू पुलिस को बलवीर की गुमशुदगी की सूचना मिली थी। तभी करीब आधा घंटे बाद बलवीर का लहूलुहान शव नहर के पास झाड़ियों में मिला। लेकिन जब मृतक की शिनाख्त बलवीर के रूप में हुई तो पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जैसे ही मृतक की पत्नी रानी और बेटी को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ की,
तो मां बेटी ने रिश्तों के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। हेमंत उसकी लड़की की शादी कहीं और करा रहा था, लड़की मेरे से करना चाह रही, करा था ना वो तो मार दिया। हाँ लड़की और उसकी माँ बोलू, उसकी बहू तो मेरी सेटिंग थी। फिर क्या कहा था उसकी पत्नी ने? उसने पत्नी ने ये कहा था कि ये हमारे सामने आके दोनों के बीच इनको खत्म कर दो। वो पहले बुलाया था नहर पे, फिर मैं हेमंत ने डंडा मारा था, फिर मैंने गोली चला। पुलिस ने मृतक की पत्नी, पुत्री और उनके दोनों प्रेमियों व एक अन्य साथी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त डंडा और तमंचा भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब बुलंदशहर में रिश्तों का कत्ल किया गया हो। बुलंदशहर में ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे लाइक करें तो कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ वैभव शर्मा, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।